हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने वाली हूं जिसमें मैं आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ दिखाऊंगी जो आप अपने बच्चे से करवा सकते हो अगर आपका बच्चा एक साल से लेकर चार साल के एज ग्रुप में आता है तो वो ये एक्टिविटीज़ डेफिनेटली इन्जॉय करेंगे फ्रेंड्स um, ये एक्टिविटीज़ uh, बहुत सारी चीज़ें सोच के मैंने डिज़ाइन की है ए स्पेशली Uh, मुझे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ चाहिए थी जिसमें मैं ज़्यादा इन्वेस्ट ना करूँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो तो जो भी मैं एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव है बहुत ही चीप एक्टिविटीज़ हैं आपको बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना पड़ेगा दूसरा इससे बहुत सारे स्किल्स बच्चे के डेवलप होंगे स्पेशली प्री राइटिंग स्किल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिविटीज़ हैं और तीसरा काफ़ी इंगेजिंग है बिकॉज मैंने खुद अपने बेटे पे ट्राई करके देखे हैं और वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता है इन एक्टिविटीज़ को तो आई एम श्योर कि दूसरे बच्चे भी इन्हें बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे सो या लेट्स बिगिन द वीडियो फ्रेंड्स सो फ्रेंड्स सबसे पहले जो एक्टिविटी मैं बच्चे को मैं करवाती हूँ वो है पिगी बैंक में कॉइन्स को डालना उसके लिए आपको चाहिए एक पिगी बैंक मेरे पास ये बहुत ही पुराना एक पिगी बैंक है जो कि बहुत यूज़फुल प्रूव हो रहा है अभी ऐसा uh, कोई पिकी बैंक ले जो इजीली खुल जाता है ताकि वो कोइंस वापस बाहर निकाल के फिर से वो अपना जो एक्टिविटी है स्टार्ट कर सकते हैं और मैंने यहाँ पे फाइव रुपी के कोईन लिए थोड़े से ये थिक होते हैं कॉइंस के साथ थोड़ा सा डर रहता है कि बच्चा मुंह में ना डाल ले तो आप जब भी आपका बच्चा ये एक्टिविटी कर रहा है तो आप उसके सामने बैठे रहें और चेक करें कि कितने कॉइन्स हैं वो कम ना हो तो आप एक नज़र रखें अपने बच्चे पे जब ये एक्टिविटी कर रहे हों अगर आपको कॉइन्स से थोड़ा सा डर लगता है आपको रिस्की लग रहा है तो आप कोई भी एक कार्डबोर्ड का बॉक्स ले सकते हो और उसमें राउंड राउंड कटआउट्स ले सकते हो कॉइंस जैसे और उसको यूज़ कर सकते हो कॉइन्स की जगह पे अगर आपके पास पिगी बैंक फॉर एग्जांपल नहीं है और आपको इतना इन... स्पेंड नहीं करना है तो आप कोई भी ऐसा एक बॉक्स ले लो जैसे मेरे पास ये एक बॉक्स है जो मैंने एक टॉय ख़रीदा था उसके साथ मुझे मिला था तो इस बॉक्स पे आप एक वाइट कलर का पेपर लगा दो और इस पर एक स्लिट कर दो और उसके बाद बच्चा जो है इसमें भी कॉइन्स डाल सकता है सो फ्रेंड्स नेक्स्ट एक्टिविटी जो मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता है वो है लेसिंग मेरे पास लिटरली एक शू लेस पड़ा था तो एक दिन मैंने बस ये ट्राई किया ये कोइंसिडेंस ही था कि मैंने नोटिस किया कि उसको ये पसंद है तो उसको मैंने ये बीट्स दिए और उसको मैंने कहा कि ऐसे डालना है सो so, उसको एक दिन लगा फ्रेंड्स इसको सीखने में प्रॉपर बिकॉज उसको जब वो बीट्स डाला था तो इसमें कैसे ऑटोमेटिक नीचे नहीं जाते आपको दूसरा हाथ पकड़ के इसको नीचे खींचना पड़ता है तो बच्चे को थोड़ा सा टाइम लगता है उसको फिगर आउट करने वो दो तीन बार अगर उसने कर लिया एक्टिविटी और देख लिया आपको करते हुए तो वो डेफ़िनेटली कैच कर लेंगे और अभी इसका ये आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एक्टिविटीज़ है इनफैक्ट मैं जब उससे सारे ये बीट्स देती हूँ तो वो कलर कोऑर्डिनेट करके डालता है ऐसा नहीं कि मैं उसे बोलती बट वो ख़ुद से ही कलर कोऑर्डिनेट वगैरह करके डालने लग गया है तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही इंगेजिंग एक्टिविटी है और उनका जो है फाइन मोटर स्किल्स भी बहुत इम्प्रूव होते हैं इससे एक प्री राइटिंग प्रैक्टिस के जैसे ही ये काम करता है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है बच्चों के लिए अगर आपका बच्चा लिखने में थोड़ा सा वीक है तो आप उससे ये एक्टिविटी करवा सकते हो सो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसके लिए आपको पॉम बॉल्स लगेंगे ये मैंने एक पॉम पम बॉल का पैकेट खरीदा था मुझे फोर्टी रुपीज़ के मिले थे इसमें साइजेस आते हैं और इस इसके साथ आपको लगेगा एक कोई भी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बॉक्स तो मैंने ये जैसे आप देख सकते हैं ये गुड़ का बॉक्स है तो मैंने इसमें एक होल किया था कोई भी आप मेटल का ऑब्जेक्ट लेके उसको हीट करके इसमें होल कर सकते हो और बस कोशिश करें कि ट्रांसपेरेंट हो बिकॉज़ अगर ट्रांसपेरेंट है तो बच्चे इन्जॉय करते हैं बिकॉज़ उनको दिखता है कि अंदर कितने पॉम पॉम बॉल्स गए हुए हैं और सिंपल सी एक्टिविटी है बच्चे को बस ये पॉम पॉम बॉल लेके बॉक्स के अंदर डालना है इस तरीके से आ, दिखने में बहुत सिंपल है बट बच्चे के लिए थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज उनको सिर्फ फर्स्ट टू या थ्री फिंगर्स यूज़ करके ही पॉम पॉम बॉल्स को पकड़ना होता है सो इससे अगेन उनका फ़ाइन मोटर स्किल्स काफ़ी इम्प्रूव होता है ये भी एक प्री राइटिंग प्रैक्टिस की के लिए इम्प्रूव करने के लिए एक्टिविटी डिज़ाइन की है मैंने सो so फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल और बहुत ही इनएक्सपेंसिव ये एक्टिविटी है और मेरा बेटा बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता है इस एक्टिविटी को अगर आपके पास ज़्यादा पॉम्पॉम बॉल्स है तो वो बहुत लंबे टाइम तक इसमें इंगेज रहते हैं और इसके साथ आप ऐसे भी कर सकते हो कि बच्चे को बोल सकते हो कि पहले ब्लैक डालो या इसको कलर के हिसाब से आप सेग्रीगेट कर सकते हो और फिर कलर वाइज वो डाल सकते हैं बच्चे या आप इसमें मल्टीपल होल्स कर सकते हो और उसमें कलर्स स्केच पेन से ऊपर कोई कलर पेंट कर सकते हो तो वही कलर के बम्पॉम बॉल्स वो अंदर डालेंगे ये भी एक अच्छा एक्टिविटी होगा सो फ्रेंड्स नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए अगेन आपको कोई भी एक छोटा सा बॉक्स लगेगा और यहाँ मैंने लिए है पाइप क्लीनर्स ये एक पैकेट मुझे फोर्टी रुपीज़ का मिला था आप कलर वाले भी ले सकते हो और इसमें गोल्डन और सिल्वर भी आते बहुत सारी वराइटीज़ इसमें आती है जो भी आपको सही लगे और मैंने क्या किया है कि पाइप क्लीनर को थोड़ा सा फोल्ड कर लिया था बिकॉज मेरा जो बॉक्स है वो थोड़ा सा हाइट में छोटा है अगर आपके पास बड़े आ, हाइट का बॉक्स है तो आई थिंक आपको फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है इस तरीके से मैंने फोल्ड किया है ये बहुत इजीली फोल्ड हो जाता है फ्रेंड्स और फोल्ड करने के बाद क्या है कि बच्चे को इसमें इंसर्ट करना है ऐसे और पता नहीं बच्चे ऐसी एक्टिविटी जो किसी भी चीज़ को बॉक्स में डालना है तो ऐसी सब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं मैंने नोट किया है सो <laughs> अगेन so ये एक्टिविटी मेरे बेटे का बहुत फेवरेट एक्टिविटी है और ये एक्टिविटी भी एक प्री राइटिंग स्किल को डेवलप करने की एक्टिविटी है सो फ्रेंड्स नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए भी आपको एक डब्बा चाहिए एक बॉक्स चाहिए इसका लिड मुझसे गुम हो गया है पर अगर लिड है तो अच्छा है तो इस बॉक्स में क्या किया है मैंने होल्स बनाए हैं बहुत सारे जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे इसमें होल्स बनाए हैं मैंने और दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है पाइप क्लीनर्स और बच्ची को क्या करना है कि इसमें से पाइप क्लीनर को अंदर इंसर्ट करना है ओ, इस तरीके से सो so, दूसरे साइड से ये बाहर आएगा बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है बट थोड़ा सा उनको फोकस करना पड़ता है बिकॉज़ होल्स जो है वो रैंडम जगह पे क्रिएट किए हुए हैं तो दूसरी साइड से निकालने के लिए उनको थोड़ा फोकस करना पड़ता है सो so, इस तरीके से आ, पाइप क्लीनर्स को ये डब्बे के होल के थ्रू निकालना है अगेन ये एक्टिविटी में मेरा बेटा बहुत इन्जॉय करता है फ्रेंड्स काफ़ी टाइम तक वो इसमें इंगेज रहता है बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एक साइड पे आप डालते हो तो दूसरी साइड पे आपको uh, बहुत ध्यान से पाइप क्लीनर को बाहर निकालना होता है सो so फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसके लिए आपको चाहिए आइसक्रीम स्टिक्स और कोई भी एक uh, लंबा सा काबोर्ड बॉक्स और कार्डबोर्ड बॉक्स में आपको जो है एक स्लिट करना है देख सकते हो मैंने यहाँ पे स्लिट किया बहुत वाइड नहीं है ये आ, बहुत ज़्यादा इजी नहीं है इसमें आ, स्टिक्स को ऐड करना थोड़ा सा फोकस लगा के आपको इन बच्चे को इंसर्ट करना पड़ता है तो इस तरीके से बच्चे को जो है आइसक्रीम स्टिक्स को स्लिट के अंदर इंसर्ट करना है देखने में हमें सिंपल लगती है बट बच्चे को थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है फ्रेंड्स आप चाहें तो इस पर पे एक पेपर स्टिक कर सकते हो और थोड़ा सा इसको और ज़्यादा सुंदर बना सकते हो बट मेरा बेटा जो है वो इजीली इसके साथ खेल लेता है तो मैंने कुछ स्टिक नहीं किया है इस पर अगेन इस एक्टिविटी को भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है फ्रेंड्स सो so फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसके लिए आपको अगेन जो बीड्स मैंने पहले दिखाए थे वैसे बीड्स लगेंगे और ऐसी एक स्टिक लगेगी जो यूजुअली आप बाबी करने के लिए यूज़ करते हो ये बहुत इजीली मिल जाती है मार्केट में और मैंने क्या किया है पहले ये स्टिक ऐसी थी तो ये बिकिस थोड़ा सा शार्प पॉइंट है मैंने सीजर से इस पॉइंट को कट कर लिया है थोड़ा सा ब्लंट बना दिया है ताकि बच्चे को चोट ना लगे और आप इसके लिए क्ले भी ले सकते हो क्ले के ऊपर भी स्टिक को रख सकते हो या किसी इस तरीके से बॉक्स में भी आप रख सकते हो और बच्चे को कुछ नहीं करना है इसमें बस ये बीड्स बच्चे को डालने हैं ऐसे फ्रेंड सब मानोगे नहीं पर ये एक्टिविटी जो है मेरा बेटा बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है अगर मैं उसको ये चीज़ दे देती हूँ तो वो काफ़ी टाइम इसमें इंगेज रहता है बिकॉज़ uh, इसमें भी थोड़ा फोकस करना पड़ता है बच्चे को आराम से फोकस देके उसको देख के उसकी जो है uh, पिंसर ग्रिप्स ग्रिप भी इम्प्रूव हो रही है इस एक्टिविटी से सो so, हमारे लिए तो इजी है पर बच्चे के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बट बहुत ज़्यादा वो इन्जॉय करते हैं इस एक्टिविटी को सो so, आप डेफिनेटली अपने बच्चे के साथ इसको ट्राई कर सकते हो सो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसके लिए आपको चाहिए मार्बल्स और एक कोई भी प्लास्टिक की बॉटल और बच्चे को कुछ नहीं करना है बस बॉटल में मार्बल्स को ऐड करना है अगेन आपको लगेगा कि ये, ये तो बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है बट फ्रेंड्स बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं इस एक्टिविटी को और अगर आप चाहें तो आप दो बास्केट्स भी दे सकते हो बच्चे को और उसको क्या करना है एक बास्केट से मार्बल्स को दूसरे बास्केट में ट्रांसफ़र करना है ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है मैंने मेरे बेटे के साथ देखा है कि उसको मार्बल्स बहुत ज़्यादा पसंद है यस थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा कि मार्बल बच्चा मुँह में न डाले मेरे बेटे को आदत नहीं है कोई भी चीज़ डालने की तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा वर्ड नहीं हूँ बट फिर भी मैं उस पर हमेशा नज़र रखती हूँ जब भी मैं उसको कॉइन्स वाली या मार्बल्स वाली एक्टिविटी देती हूँ और आप भी अपने बच्चे को जब ये एक्टिविटी करवाएं तो मेक श्योर sure करें कि कोई एक एडल्ट हो उसके साथ में ताकि उस पर सुपरविजन रहे नज़र रहे कि ये मुंह में न डाल ले बच्चा फ्रेंड्स अगर बाय चांस आपको मार्बल्स नहीं मिलते हैं तो आप पम पॉम बॉल्स ही यूज़ कर सकते हो इस एक्टिविटी के लिए ये थोड़े बड़े साइज़ के पम पॉम बॉल्स हैं तो बच्चा जो है पोम पॉम्प बॉल्स को भी इसमें डाल के काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करेगा पर तो उस माबल्स का ये है कि ये थोड़ा आवाज़ करते हैं तो उसकी वजह से उनको थोड़ा ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है ये एक्टिविटी पर अदर अगर आपके पास मापल्स अवेलेबल नहीं हैं तो आप बॉल्स आराम से यूज़ कर सकते हो इस एक्टिविटी के लिए या आप आ, जो बीड्स मैंने दिखाए थे पहले आप वो बीड्स भी यूज़ कर सकते हो बच्चा बीड्स भी इसमें ऐड कर सकता है सो so फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसके लिए आपको एक मफिन ट्रे लगेगा ये मेरे पास घर पे पड़ा हुआ था और इसमें आपको क्या करना है कि बच्चे को या तो आप पॉम पॉम बॉल्स दे सकते हो या आप ये कलरफुल बीट्स दे सकते हो और बच्चे को जो है इसमें कलर्स के अकॉर्डिंग इसको सॉर्ट करना है आप बस इसको दे दे और एक बार उसके सामने एक्टिविटी करके दिखाएं एक बार आप अलग अलग कलर्स लेके इसमें ऐड करें आप चाहे तो ऑलरेडी पहले से एक कलर के एक एक बॉल्स पम पम बॉल्स या बीट्स ऐड करके रख सकते हो फिर वो अकॉर्डिंगली इसमें ऐड करते जाएंगे अगेन ये एक्टिविटी भी कलर सॉर्टिंग एक्टिविटी है सो so, उनके लिए कलर रिकग्निशन के लिए आ, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है और मेरा बेटा बहुत इन्जॉय करता है इस एक्टिविटी को भी फ्रेंड्स अगर बाय चांस आपके पास ऐसा कोई मफिन ट्रे नहीं है तो आप एक कोई भी कार्डबोर्ड बॉक्स ले सकते हो और इसमें आप स्लेट्स बना सकते हो इसमें होल्स बना सकते हो और स्केच पेन से या वाटर कलर से आप उस पर कलर से मार्क कर दें उसे और फिर बच्चे को बोले कि उसमें ऐड करें सो so आप अगर आपके पास नहीं है मफिन ट्रे तो आप ये ऑल्टरनेटिव भी ट्राई कर सकते हो इक्वली इंजॉयबल है डैट सिर फो दिस वीडियो फ्रेंड्स एंड जस्ट रिमेंबर कि हर बच्चे का अपना पेस होता है तो उनको अपने तरीके से इन एक्टिविटीज़ को करने दें तो मेन थिंग इज़ दैट कि उन्होंने इन्जॉय करना चाहिए आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स टेक केयर एंड आल सी यून द नेक्स्ट वीडियो